नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत अनोखा टॉपिक है। जी हाँ, आपने अंडर वाटर ट्रेन के बारे में तो सुना ही होगा। बहुत सारे कंट्री में इसके ऊपर काम भी बहुत चल रहा है और बहुत सारे काम हो चुके हैं और वहाँ पे यूज भी होता है। पर इंडिया में भी एक ऐसा प्रोजेक्ट अब सामने आ गया है। इंडिया में अभी ये प्रोजेक्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट की काम सब खत्म हो चुका है और उसके बाद इसका फेज वन का ट्रायल भी बाकी है। तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं और आप सब लोग मेरे को सब्सक्राइब और लाइक करना और नोटिफिकेशन वाली घंटी प्रेस करना ना भूलें। और इसके साथ आपका स्वागत है शॉर्ट्स स्पीक्स पर। प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो कनेक्ट करता है टू मेन सिटीज को, कोलकाता और हावड़ा। कोलकाता सेक्टर 5 और हावड़ा के मैदान को वो 16 किलोमीटर एक लंबे टनल से हुगली रिवर के नीचे से कनेक्ट करेगा। और इस प्रोजेक्ट में अराउंड 8575 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। लागत यानी कि एक्सपेंस बन रहा है, ये बहुत ज्यादा है दोस्तों मालूम है। पर पीयूष गोयल जो कि हमारे तत्कालीन रेलवे मंत्री हैं, इसने इसे इनॉग्रेट किया था अभी 3rd February 2020 को। हम इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। यहाँ पे हुगली रिवर के आसपास तीन तरह के सॉइल पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल, सैंडी सॉइल और हार्ड फ्रोजन सॉइल। यहाँ पे जो हार्ड फ्रोजन सॉइल है वो हुगली रिवर के जस्ट थोड़ा सा नीचे रहता है, जिसे हमने डिग करके ये टनल का यूज करने के लिए बनाया है। इसे 30 मीटर डीप ये टनल का काम शुरू हुआ है। यहाँ पे जब टनल का काम शुरू हुआ तो TBM यानी कि टनल बोरिंग मशीन का यूज किया गया था। ये टनल बोरिंग मशीन हमने खास करके ऑस्ट्रिया और फ्रांस से मंगाया था। टनल बनाते समय काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि कहीं जो टनल हमने बनाया है वाटर बेड के जस्ट नीचे वो कहीं कोलैप्स न कर जाए। इसे कोलैप्स से बचाने के लिए हमने काफी सारे आयरन शाफ्ट लगा के रखे थे टनल के बीच में, ताकि वो धराशायी ना हो जाए। दूसरा चैलेंज जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। हेल्थ ऑफ द वर्कर्स इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा टनल के अंदर बहुत कम थी काम करते वक्त, तो इसीलिए हमेशा वहाँ पे वेंटिलेटर्स लगाए रहते थे और ऑक्सीजन सप्लाई टनल में जाता रहता था। टनल में हमेशा 27 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन रहता था ताकि लेबर्स कोई प्रॉब्लम ना हो। टनल के वर्किंग एनवायरनमेंट के आसपास हमेशा 100 या उससे ज्यादा इंजीनियर्स मौजूद रहते थे और वहाँ पे हमेशा एक तो हेल्थ केयर टीम भी मौजूद रहती थी ताकि कोई भी अगर वर्कर्स इंजर्ड हो तो उसको वो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कर पाए। टनल को दो टनल बोरिंग मशीन के मदद से कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे दो टनल बने हैं जो कि आस पास हैं। यहाँ पे दोनों टनल कनेक्ट करने के लिए 250 मीटर्स के कॉरिडोर ही बनाए गए हैं और स्केप पाथ भी बनाए गए हैं। पर वो स्केप पाथ इतना बड़ा है कि अगर उससे लोग रीच करना चाहें यहाँ नीचे से लोग मेट्रो स्टेशन के बेड से एकदम ऊपरी पाथ तक, तब उन्हें 261 स्टेयर्स क्लाइंब करने पड़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा है और ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है बूढ़े लोग के लिए। अब हम आते हैं कुछ मिथबस्टर्स पे। यहाँ पे लोग कहते हैं कि ये पहला इंडिया का अंडर वाटर प्रोजेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट पहले भी बन चुके हैं जो कि इतने लॉन्ग नहीं है, इसलिए इसे पहला अंडर वाटर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी ये बात है कि लोग इसे कह रहे हैं कि इसके आसपास जब ये ट्रेन चलेगा तो हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि पानी के अंदर रहते हैं देख सकते हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहला तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये सीमेंट और कंक्रीट से बना है, ना कि ग्लास से। अगर ये ग्लास से बना भी होता तो यहाँ का पानी इतना गंदा है कि उसके आसपास के ऑर्गेनिज्म देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता, और अगर ऑर्गेनिज्म दिखता भी तो बहुत कम दिखता, हार्डली एक दो दिखता जो कि उस पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उसके ऑक्सीजन मात्रा इतनी कम है पॉल्यूटेड होने की वजह से कि वहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिखना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और काफ़ी लोग ऐसा मिथ फैला रहे हैं जो कि ये सही नहीं है। ये बस एक अंडर वाटर प्रोजेक्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वाटर बेड के नीचे से पास कर रहा है, ना कि वाटर के अंदर से। काफी लोग जानना चाहते हैं कि कब ये प्रोजेक्ट बनके कंप्लीट होगा, तो मैं आपको बता दूं ये प्रोजेक्ट की शुरुआत 2009 में हुई थी और अभी ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये कंप्लीट हो जाएगा 2022 मार्च महीने तक, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में काम कितना फास्ट होता है। और एक बात बता दूं कि इसका फेज वन काम खत्म हो चुका है जो कि ऑलमोस्ट 5.5 किलोमीटर तक लंबा है। इसमें करुणा में सिटी सेंटर और बंगाल केमिकल जैसे स्टेशन शामिल हैं जो कि बनके कंप्लीट हो चुका है और ट्रायल रन के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। फेज वन के काम में डमी रेल्स का भी काम खत्म हो चुका है। डमी रेल्स यानी कि रेल लाइन लगाने के पहले जो रेल्स लगाए जाते हैं उसे डमी रेल्स कहते हैं। डमी रेल्स को एक्सचेंज करने के बाद अब वहाँ पे रियल रेल्स लग जाएंगे और उसका फेज वन का काम ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रायल रन भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसका फेज टू में उसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि बचे हुए हैं उसका काम भी पूरा हो जाएगा और 2022 मार्च महीने तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा, ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। देखिए कब तक काम पूरा होता है, मैं आशा करता हूँ कि काम पूरा खत्म हो जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्तों। मुझे मालूम है इस वीडियो को बहुत आपको देख के मजा आया होगा और आपको लाइक करने का भी बहुत मन किया होगा, तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूँ शॉर्ट्स स्पीक से।